हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। अगर आप 14,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट 4G एंड 5G स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे 14,000 के अंडर में। दोस्तों, हम आपको कुछ 5G स्मार्टफोन भी बताएंगे, कुछ 4G स्मार्टफोन भी बताएंगे, जो कि इस प्राइस रेंज का सबसे धांसू स्मार्टफोन है। और इन सभी में आपको पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे, अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा, अच्छा कैमरा होगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा एंड फास्ट चार्जर का सपोर्ट होगा। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा 4G स्मार्टफोन चाहिए या फिर 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो फिर ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपने लिस्ट में हमने 2 4G फोन को रखा है और 3 5G फोन को रखा है। तो पहले 4G फोन के बारे में डिटेल्स में बता देते हैं, उसके बाद 5G फोन के बारे में बताएंगे। तो अपने लिस्ट का 5वें नंबर पे आता है Realme Narzo 50। दोस्तों, यह फोन जो है ना 14,000 के अंडर में काफी धांसू फीचर के साथ आता है। अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर गेमिंग के लिए कोई पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। ये फोन जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 194 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 5mm का थिकनेस यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI 2.0 के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इनमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 480 निट्स का ब्राइटनेस भी जाएगा जो कि ठीक ठाक ही है। ये तो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा। दोस्तों, ये प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते एंड 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। और ध्यान रहे कि यह प्रोसेसर जो है ना 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ये जो है ना इस फोन का बेस वेरिएंट है। इस वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा, यानी कि 13,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 13,000 रुपया में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट का आखिरी 4G फोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 4G। अगर आपको 14,000 रुपया में एक अच्छा ऑलराउंडर 4G स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा एंड 700 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है और इनमें आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है। ये तो हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकेंड कैमरा वाइड एंगल सेंसर है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें भी आपको MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा। हालांकि प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है, लेकिन प्रोसेसर काफी पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं एंड 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। बात करें रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले का अदर फीचर पे। ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 664 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे Amazon पर आपको 13,999 रुपया देना होगा, यानी कि 14,000 रुपया इस फोन का प्राइस
रेट है अभी के टाइम पे। अगर आपको 14,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर सा 4G स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का 5G फोन के बारे में। अब तो हमारे लिस्ट का पहला 5G स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 10T 5G। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि 5G इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है, ऐसे में अगर आपको 14,000 के अंडर में अच्छा 5G का ही स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो ये फोन भी जो है ना पॉलीकार्बोनेट बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 190 ग्राम है। 8.9mm का थिकनेस है जो कि ठीक ठाक ही है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है। आप इस फोन में सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और ये फोन जो है ना कुल 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है जो कि ठीक ठाक ही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। 1100 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 48MP का दिया गया है, बाकी का कैमरा 2-2MP का है और सेल्फी कैमरा 8MP का दिया गया है। कैमरा भी ठीक ठाक ही है, आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 वाला एक 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर जो है ना 7nm पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इसमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और ये इस फोन का बेस्ट वेरियंट है। और इस वाले वेरियंट को लेने के लिए आपको 13,500 रुपया देना होगा। अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का सेकंड नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला G51 5G। दोस्तों अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा प्योर फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। ये फोन भी प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और ये फोन आपको हल्का फुल्का भारी महसूस करा सकता है क्योंकि इस फोन का वेट 208 ग्राम है। 9.1mm का थिकनेस है, थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। आप इस फोन में डबल सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। और ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर ऐप्स और एड्स नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 11 पर। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS LCD पैनल के साथ। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी बड़ा प्लस अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। एंड 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा 8MP का है जो कि वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा 13MP का दिया गया है। अब रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रो वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर जो है ना 8nm पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर काफी अच्छा है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 2.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 20W का चार्जर को। चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,500 रुपया देना होगा। अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई 5G फोन ही चाहिए, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का।
तो अपनी लिस्ट का आखिरी फोन आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 5G। दोस्तों ये फोन उनके लिए है जिनका बजट 14,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। आई मीन अगर आपका बजट 14,500 के आसपास में और आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर को। ये फोन भी जो है ना पॉलीकार्बोनेट बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 188 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 8.5 mm का थिकनेस है यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। 3.5 mm वाला ऑडियो जैक दिया गया है। आप इस फोन में 2 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो रियलमी UI भी 2.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। इनमें आपको सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इनके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। 600 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस ठीक ठाक ही है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले नो डाउट काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 48 MP का दिया गया है, बाकी का कैमरा 2 MP का है और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा भी ठीक ठाक ही है जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको MediaTek Dimensity 810 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 3,85,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, इनमें आपको 5,000 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 18W का फास्ट चार्जर को। इस प्राइस रेंज में 18W का चार्जर तो सूट नहीं करता है बट ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और इसी वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 14,500 रुपया देना होगा Amazon पर। अगर आपको 14,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए ना तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।